नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। शहर के विभिन्न जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा वेदी पर स्थापित हो गई है। भगवान गणेश की विधिवत तरीके से प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई और उनको भोग लगाया गया। शहर के 40 जगह पर गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह पंडाल बनाकर गणपति की प्रतिमा स्थापित कर पूजा हो रही है। भक्तों में काफ़ी उत्साह है। सिकंदरपुर, भीखनपुर, रामसर, बूढ़ानाथ, खंजरपुर, जरलाही, पर्वती, नाथनगर के अलावा सबौर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। दक्षिणी क्षेत्र स्थित बारसलीगंज माँ शेरावाली क्लब की ओर से भगवान गणेश को 211 किलो का एक लड्डू का भोग लगाया गया। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं गणेश उत्सव जोगसर में बिसारी मंदिर में 10 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई और 1 क्विंटल लड्डू का भोग लगाया जाएगा। वहीं गणेश चतुर्थी को लेकर 113 स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। भागलपुर में जो है ये 15 फीट का प्रतिमा यहाँ स्थापित 2009 से जो है स्थापित हुई है। क्या खासियत है, क्या इस तरह का यहाँ पर व्यवस्थित व्यवस्था किया गया? व्यवस्था सब मिल करके जितना मेंबर है सब जो है समाज के सहयोग से। भागलपुर शहर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। समरणालय परिसर स्थित जिला परिषद के सामने आपदा प्रबंधन के कार्यालय के सामने अवैध रूप से दुकान बनाकर वर्षों से अतिक्रमण किए दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट और जगदीशपुर अंचल की राजस्व कर्मचारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर से 4 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जानी है। वहीं अभी एक दुकान को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सेंट जोसेफ स्कूल की 9वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के प्रयास के मामले में AVVP ने मंगलवार को विरोध जताया था। कार्यकर्ता स्कूल के प्रिंसिपल फादर अमलराज का पुतला दहन करने के लिए पहुंच गए। इसकी जानकारी पर प्रशासन द्वारा छात्र नेता कुणाल पांडे और हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट की मदद से छोड़ भी दिया गया था। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई द्वारा स्थानीय खलीफाबाग चौक पर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस अपना काम नहीं करके स्कूल प्रबंधन से मोटा रकम लेकर गुंडागर्दी कर रही है। हम लोग भागलपुर में इस तरह यहाँ की बेटी से स्मिता पर आंच नहीं आने देंगे। जो दोषी है उस पर जल्द कार्रवाई हो। कल हम लोग जो है जैसा कि पुतला दहन करने गए थे प्रिंसिपल का, वहाँ के प्राचार्य का, लेकिन वहाँ प्रशासन द्वारा उनको बड़े पैमाने पर स्कूल को संरक्षण दिया जा रहा था। बताइए कि आज लोकतंत्र में क्या पुतला दहन करने को सम्मान नहीं है? पुतला दहन करने कोई जाता है, आवाज़ उठाने कोई जाता है तो वहाँ आवाज़ को दबाया जाता है। मामला है कि छात्राओं के साथ किस तरह से दो शिक्षकों ने मिलकर बलात्कार का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी परिषद जब आवाज़ उठाने जाती है तो वहाँ पुलिसिया गुंडों के द्वारा हमें रगेदा जाता है, भगाया जाता है, और उसके बाद हम लोग जब नहीं वहाँ से हटे, अपने स्वाभिमान पर खड़े रहे तो हमारी गिरफ्तारी हुई। हम नहीं डरते हैं जिला प्रशासन महोदय आपके इस पुलिस से और इस पुलिसिया गुंडे से। हमें न्याय चाहिए और न्याय नहीं जब तक मिलेगा तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। नए संसद का पहला दिन था और पहला बिल महिलाओं के हक को समर्पित रहा। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश हुआ। बिल में 15 साल के लिए आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया है। गौरतलब हो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जब भी लागू होगा तब से 15 साल तक रहेगा। इस उपलक्ष्य पर आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा भागलपुर खलीफाबाग चौक पर आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की महिलाएं उपस्थित थीं। सभी महिलाओं में काफ़ी खुशी इस बात की थी कि नई संसद का पहला दिन था और पहले बिल के साथ पहला संबोधन महिलाओं के हक के लिए किया गया। भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने कहा कि उम्मीद है यह बिल जल्द पारित होगा। गणेश चतुर्थी और तीज के दिन यह विधेयक बिल महिलाओं के लिए हक के लिए रखा गया, यह काफी खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक बिल पेश किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह बिल पारित भी होगा और राज्यसभा में भी पारित होगा,
हम महिला मोर्चा की तरफ से, महिलाओं की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार से गणेश चतुर्थी के दिन और तीज के पारण तीज के दिन कैबिनेट में इस बिल को लाया गया और पारण के दिन ये हम लोग खुशी लेकर यह बिल आया है, हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, आनंद का विषय है। भागलपुर जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिले में डेंगू के डंक की चपेट में आने से एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर, माउंट एसएससी की छात्रा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी स्वर्गीय जागेश्वर रजक के पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के HDU वार्ड के बाहर चिकित्सकों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। बीते 17 अगस्त को डेंगू से जिले में पहली मौत हुई थी, जो कि अब बढ़कर 5 हो गई है। दूसरी ओर माउंट एसएससी जूनियर सेक्शन स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों ने इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल में डेंगू से केवल 1 मरीज की मौत की पुष्टि की गई है। जिले में डेंगू से अब तक 8 मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग केवल 2 की मौत की पुष्टि कर रहा है। हम 16 तारीख को एडमिट किया अपना पेशेंट मनीष कुमार को, ठीक है। मेरा पेशेंट सीरियस था, पहले से हमको पता था कि मेरा पेशेंट का प्लेटलेट कम है। हम डॉक्टर का बात मानते गए, होल ब्लड चढ़ाए, प्लेटलेट चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाए है ना, पर पेशेंट का मेरा कोई रिएक्शन नहीं। को बोलना चाहिए ना कि आपका पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं ला, प्लेटलेट चढ़ाने बदले आपका प्लेटलेट नहीं बढ़ रहा है, आप कोई एक्शन लीजिए। हमको डॉक्टर कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला। आज रात में मेरा पेशेंट को 2 बजे से मेरा पेशेंट कॉन्स्टिपेशन हो रहा, सांस लेने में तकलीफ हुआ, खांसी उठा, ब्लीडिंग हल्का, चलो कोई डॉक्टर रिस्पॉन्स नहीं, कोई सुई दवाई नहीं दिया। हम आए 6:30 बजे, तब हल्ला किया तो 6:30 SDU में भर्ती किया। SDU में भर्ती किया तब यहाँ पे आके देखे कि कोई डॉक्टर नहीं आ, तब कंट्रोल रूम गए, कंट्रोल रूम से डॉक्टर का हाथ पकड़ लेके आए RMO, वो भी सीनियर डॉक्टर नहीं था, RMO था बंदा। फिर एक और सीनियर डॉक्टर आया, तब वो लोग किया SDU में, पर डेंगू वार्ड में जो नाइट में डॉक्टर था उसके प्रति एक्शन लेना है और सिस्टर के प्रति। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।